इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तकरीबन कई सारे लॉजिस में क्वारंटाइन लोगों को रखा गया है, लेकिन यह एक अच्छी खबर है बेलगाम वालों के लिए कि हर रोज़ कहीं कुछ ना कुछ बड़ी तादाद में जो है अफराद यहाँ से डिस्चार्ज होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आज फिर तकरीबन 43 अफराद जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ पर पीछे हम रिलैक्स लॉज और क्लासिक लॉज से भी अनकरीब यहाँ से उनका डिस्चार्ज की शुरुआत होगी, वो अपने घर जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर मेडिकल अफसरों की जानिब से कई सारे हिदायत उन्हें दी गई हैं, उस पर वो अमल करते रहेंगे इंशाल्लाह। रिलैक्स लॉज ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಜ್ದಲ್ಲಿ 21 ಜನಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ದಿಂದ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನಾಗಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ರಮಜಾನುಲ್ ಮುಬಾರಕ್ ಕಾ ಮುಬಾರಕ್ ಮಹೀನಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ್ ಬಡಿ ಬಿಮಾರಿ ಇಸೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಜಾತ್ ದಿಲಾ ರಹೇ ಹೈ। तमाम इंसानियत जो है इस बीमारी से पाक हो जाए। शहर बेलगाम में ख़ासकर बागेवाड़ी, किरणवाड़ी और कुर्ची, मैं आज सदर अंजुमन, सदर सेक्रेटरी, अंजुमन सेक्रेटरी और अमीन भाई और जितने हजरात इसके अंदर कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज तकरीबन 41 अफराद जो है क्वारंटाइन में जो थे, लॉजिंगों में थे, उन्हें डिस्चार्ज दिया गया है। और तमाम शहर बेलगाम के जो डीसी साहब है, हमारे डॉक्टर हजरात है, डायरेक्टर साहब है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हर एक जो है इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपने घर में रहे और महफूज रहें।